ओके हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रसल चैटर। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोमन रेंस एंड ब्रॉन स्ट्रोमैन के मैच में बड़ा रोल प्ले करने वाले मिक फोली के बारे में, जिन्होंने इस मैच को लेकर एक बड़ी स्टेटमेंट दी। इसके अलावा बटिस्टा के बारे में, जिनके रिटर्न को लेकर एक काफी बैड अपडेट सामने आई है। तो अगर आप इन दोनों बातों के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। सबसे पहले बात करते हैं बटिस्टा के बारे में। तो आप लोग जानते हैं WWE स्मैकडाउन लाइव के 1000 एपिसोड को सेलिब्रेट करने वाले, जहां पर WWE से काफी स्पेशल करेगी और यहां पर हमें WWE के काफी सारे बड़े और पुराने सुपरस्टार देखने को मिलेंगे। तो इसी से जुड़ी कुछ खिचड़ी पकी ट्विटर के ऊपर, जहां पर एक यूजर ने ट्वीट किया और आप लोग वो देख सकते हैं इस समय आपकी स्क्रीन के ऊपर। यहां पर यूजर ने लिखा है, आई होप बटिस्टा इज एट स्मैकडाउन 1000, आई जस्ट गॉट माय टिकट, WWE वर्क समथिंग आउट प्लीज। तो यहां पर इसका रिप्लाई भी कर दिया बटिस्टा ने और उन्होंने लिखा, सरप्राइज सरप्राइज, आई वॉज नॉट इन्वाइटेड एंड इट्स इन माई होम टाउन, गेस बाय नाउ आई शुडंट बी शॉक्ड एनी मोर। तो यहां पर बटिस्टा ये कह रहे हैं, पहले तो बता रहे हैं कि मुझे इन्वाइट भी नहीं किया गया और जबकि ये मेरे होम टाउन में। आप लोग जानते हैं कि स्मैकडाउन लाइव का जो 1000 एपिसोड होने वाला है वो वॉशिंगटन में होगा, जो कि बटिस्टा का यहां पर होम टाउन है। तो इस ट्वीट से यहां पर देखकर ऐसा लग रहा है कि बटिस्टा को तो बुलाया नहीं गया और वो इस चीज से काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड है। तो यहां पर ऐसा लग रहा है कि शायद जो WWE एंड बटिस्टा की रिलेशन है वो इतनी भी अच्छी नहीं है जितना कि हम लोग सोच रहे हैं, और शायद इसके चलते हमें स्मैकडाउन लाइव के 1000 एपिसोड में देखने को ना मिले। बट यहां पर एक जो ट्विस्ट है वो ये हो सकता है कि कभी कभी सुपरस्टार डिनाई कर देते हैं रिपोर्ट्स को लेकर, ताकि जब वो शो पर पहुंचे तो फैंस को काफी बड़ा सरप्राइज। अब देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर क्या चल रहा है बटिस्टा एंड WWE के बीच, और क्या वो हमें स्मैकडाउन लाइव के 1000 एपिसोड में देखने को मिलते भी हैं या नहीं। नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि जुड़ी है मिक फोली से, और उन्होंने यहां पर एक स्टेटमेंट दिया रोमन रेंस एंड ब्रॉन स्ट्रोमैन के मैच को लेकर, जहां सबसे पहले तो उन्होंने बात करी विंस मैकमैन के बारे में कि कैसे ये चीज अभी डिसाइड नहीं हुई हम दोनों के बीच, विंस मैकमैन और मेरे बीच बात हुई थी काफी टाइम पहले ही कि हम लोग कुछ ऐसा स्पेशल प्लान करेंगे हेल इन अ सेल में। और यहां पर कहा मिक फोली ने कि जब डोर शट होंगे, सब लोगों का फोकस होगा उन दोनों के ऊपर, तो मैं यहां पर होप करता हूं कि किसी तरह से मैं भी इन्वॉल्व हूं इस मैच में। तो यहां पर एक तरह से मिक फोली ने टीज कर दिया कि कहीं ना कहीं हमें मिक फोली की भी एक बड़ी रोल देखने को मिलेगा इस मैच के अंदर, तभी मिक फोली को रोमन रेंस एंड ब्रॉन स्ट्रोमैन के यूनिवर्सल चैंपियनशिप के मैच में डाला गया है। तो अब देखते हैं मिक फोली का क्या बड़ा रोल होता है और क्या वो बड़ा धमाका करते हैं हेल इन अ सेल के इस बड़े मैच में। तो बस आज की वीडियो यहीं तक थी, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों का क्या कहना है बटिस्टा के ट्वीट के बारे में, जहां वो डिनाई कर रहे हैं कि वो नहीं होंगे स्मैकडाउन लाइव के 1000 एपिसोड में। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह से WWE की अपडेट्स, न्यूज़, रूमर्स और कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलती रहे। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।